दोस्तों आज हम सब मिल बैठकर कायस्थ जाति का इतिहास देखेंगे। खाने पीने में बड़े ही होशियार जाति होते हैं। जब तक नौकरी नहीं मिलता बाबा जी बने रहते हैं। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। कायस्थ भारत में रहने वाले हिंदू समुदाय की एक जातियों का वांशिक कुल है। पुराणों के अनुसार कायस्थ प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं। कायस्थ को वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ण धारण करने का अधिकार प्राप्त है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि कायस्थ धर्मराज श्री चित्रगुप्त भगवान की संतान है। दोस्तों बनारस के पंडितों द्वारा पेशवा दरबार को 1779 एडी में दिए उत्तर के अनुसार चित्रगुप्त के वंशज कायस्थ ब्राह्मण एवं क्षत्रिय से श्रेष्ठ है। वर्तमान में कायस्थों ने राजनीति और कला के साथ विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक विद्यमान है। दोस्तों कायस्थ जाति का इतिहास, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपनी काया ध्यान योग की संपूर्ण अस्थियों से बनाया था, तभी इनका नाम काया जोर अस्थि कायस्थ हुआ। एक समय था जब आधे से अधिक भारत पर कायस्थों का शासन था। भारत में देवपाल गौड़ कायस्थ राजवंश तथा मध्य भारत में सातवाहन कायस्थ राजवंश सत्ता में रहे हैं। अतः हम सब उन राजवंशों की संतानें हैं। हम केवल बाबू बनने के लिए नहीं, अपितु हिंदुस्तान पर प्रेम, ज्ञान और शौर्य से परिपूर्ण हिंदू संस्कृति की स्थापना के लिए पैदा हुए हैं। मैं उन महापुरुषों का वंशधर हूँ जिनके चरण कमलों पर प्रत्येक ब्राह्मण यमाय धर्मराजाय चित्रगुप्ताय व नमः का उच्चारण करते हुए पुष्पांजलि प्रदान करते हैं और जिनके वंशज विशुद्ध रूप से क्षत्रिय हैं। पद्म पुराण के अनुसार कायस्थ कुल के ईष्ट देव श्री चित्रगुप्त जी के दो विवाह हुए। इनकी प्रथम पत्नी सूर्य दक्षिणा, जिन्हें नंदिनी भी कहते हैं, सूर्य पुत्र श्राद्धदेव की कन्या थी। इनसे चार पुत्र हुए। इनकी द्वितीय पत्नी नाम था ऐरावती, जिन्हें शुभावती भी कहते हैं। चित्रगुप्त जी के 12 पुत्रों का विवाह नागराज वासुकी की 12 कन्याओं से संपन्न हुआ। इसी कारण कायस्थों की ननिहाल नागवंश मानी जाती है और नागपंचमी के दिन नाग पूजा की जाती है। नंदिनी के 4 पुत्र कश्मीर के निकटवर्ती क्षेत्रों में जाकर बस गए तथा ऐरावती के 8 पुत्रों ने गौड़ देश के आसपास, जो वर्तमान में बिहार उड़ीसा तथा बंगाल में जाकर निवास किया। वर्तमान बंगाल उस काल में गौड़ देश कहलाता था। इन 12 पुत्रों के दंश के अनुसार कायस्थ कुल में 12 शाखाएं हैं, जो श्रीवास्तव सूर्यध्वज वाल्मीकि अष्ठाना माथुर गौड़ भटनागर सक्सेना अंबश निगम कर्ण कुलश्रेष्ठ नामों से चलती है। तो दोस्तों यही है कायस्थ जाति का इतिहास। आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए।